माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव टू कंप्लीटेड नियर अबाउट टू लेसन्स इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मीन्स मैथमेटिक्स टू. ओके स्टूडेंट, इन मैथमेटिक्स टू दैट इज इन ज्योमेट्री, फर्स्ट लेसन इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री एंड सेकेंड लेसन इज पैरेलल लाइंस. नियर अबाउट वी हैव टू कंप्लीटेड दीज टू लेसन्स. And student, now in this lecture we are going to start very first lesson of mathematics 1. Student, mathematics 1 is algebra. In algebra, very first lesson is sets. First lesson, name of the first lesson, first chapter in algebra is sets. Students, before starting this lesson, first we will study about those things, about those concepts which will be needed in this lesson. Like as, what are the numbers and what are the types of numbers. Students, lesson को start करने से पहले हम लोग कुछ basic concept, कुछ basic चीज़ों के बारे में study करेंगे जो हम लोग 7th 8th standard में पढ़ चुके हैं और जिसका हम लोग इस lesson में use करने वाले हैं. Okay student, like as, what is a number and types of numbers. ओके, नाउ स्टूडेंट यू नो दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. स्टूडेंट दीज सिंबल्स, स्टूडेंट दीज आर अ सिंबल्स. दीज सिंबल्स आर नोन एज डिजिट्स. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट्स. एंड आल्सो नोन एज न्यूमरल्स. डिजिट्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स, जो हम लोग यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. स्टूडेंट दीज सिंबल्स आर नोन एज डिजिट्स और नोन एज न्यूमरल्स. चाहे इसको डिजिट्स बोलो चाहे क्या बोल सकते हैं? न्यूमरल्स बोल सकते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट दीज आर दी सिंबल्स. क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे 2 को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 6 को इस सिंबल से डिनोट करते हैं. स्टूडेंट दीज आर सिंबल्स आर नोन एज डिजिट्स और नोन एज न्यूमरल्स. स्टूडेंट नाउ देन हाउ टू डिफाइन नंबर्स, हाउ टू डिफाइन नंबर्स. तो नंबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्टूडेंट अन्यूमरल और ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स, अन्यूमरल और ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स, ग्रुप ऑफ न्यूमरल्स आर called numbers or called numbers. Okay student, numbers are clear. Numbers क्या होता है? A numerals, किसी एक single numeral को भी हम लोग क्या बोलते हैं? Number. Or group of numerals, group of numerals. समझो हमने ऐसे लिख दिया 2. Student actually 2 is a digit, 2 is a numeral, but each and every digits, each and every numeral is a number itself. हर एक digit, हर एक numeral एक number ही होता है. Okay student, this is a single digits, this is a single numeral, therefore this is a number. Group of numerals, जैसे समझो हमने लिख दिया 1 and 2, तो there are student, there are 2 digits, there are 2 numerals 1 and 2, तो this is the group of numerals, this is known as number. ओके स्टूडेंट, नंबर इज क्लियर. एंड नाउ टाइप्स ऑफ नंबर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप इज नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट टाइप इज नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? स्टूडेंट द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? जैसे मैं बोलूं ये पेज लो, टेक दिस बुक. स्टूडेंट टेक दिस बुक एंड काउंट द नंबर ऑफ पेजेस. पेज को काउंट करो, तो आप कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हैं. कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5. स्टूडेंट दीज काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. सो इट्स डेफिनेशन इज द काउंटिंग नंबर्स, the counting numbers
द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ओके स्टूडेंट, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. स्टूडेंट, दिस नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. बात समझ में आई क्या? इसी नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. और काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है. 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. सो स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. कैन यू टेल व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर? नो स्टूडेंट, वी कैन नॉट डिसाइड बिगेस्ट नेचुरल नंबर. हम लोग सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है ये डिसाइड नहीं कर सकते. क्यों नहीं डिसाइड कर सकते स्टूडेंट? ये कहां तक जाता है? अप टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब कोई भी इसका अंत नहीं है. बात समझ में आ रही क्या? सो स्टूडेंट, दिस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट. देयरफॉर वी डिसाइड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बट वी कैन नॉट डिसाइड बिगेस्ट नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है. स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स आर नोन एज आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स एंड आल्सो नोन एज पॉजिटिव नंबर्स. इट इज क्लियर? नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स एंड इट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव नंबर्स. तो जैसा आप देख रहे हैं इधर 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट होके इधर 2, 3, 4 तक इनफाइनाइट तक जा रहा है. स्टूडेंट, दीज आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव नंबर्स. एंड एक चीज और याद रखना, अभी हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे, सेट्स लेसन पढ़ेंगे, तो एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन. कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर एन. नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन. एंड सेकेंड इज होल नंबर. सेकेंड क्या है? होल नंबर. स्टूडेंट, व्हाट आर दी होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट? यू नो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से स्टार्ट होता है. इट मीन्स स्टूडेंट, वी कैन डिफाइन इट नेचुरल नंबर्स विथ 0. नेचुरल नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. मतलब नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, इसमें 0 और इंक्लूड कर दिया. नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. मतलब सारे नेचुरल नंबर्स उसमें 0 और इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया? होल नंबर्स बन गया. सो स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 बिकॉज ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0. होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर. एंड एज अ नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स वी कैन नॉट डिसाइड बिगेस्ट नेचुरल नंबर. सिमिलरली वी कैन नॉट डिसाइड बिगेस्ट होल नंबर. जैसे इसमें हम लोग नेचुरल नंबर में डिसाइड नहीं कर सकते कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, ऐसे ही हम लोग होल नंबर्स में भी बिगेस्ट होल नंबर डिसाइड नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर स्टूडेंट. होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W. ये चीज आप याद रखो. नेचुरल नंबर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से. होल नंबर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड वन इज इंटीजर्स. स्टूडेंट, व्हाट आर द इंटीजर्स? तो नंबर लाइन आपने सुना होगा, 8th स्टैंडर्ड में नंबर लाइन हमने बनाया था. ऐसे नंबर लाइन ऐसे बनाया था, या ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर में बनाया था, 0, 1, 2, 3, 4. इधर क्या लिखते हैं? -1, -2, -3. तो दीज आर द इंटीजर्स. बट हाउ टू डिफाइन इंटीजर्स? इंटीजर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स विथ 0 और कॉल्ड इंटीजर्स.
ओके स्टूडेंट, या ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ होल नंबर्स, अ सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, इसका निगेटिव कैसे लिखेंगे, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। तो बात समझ में आ गई क्या, इंटीजर्स समझ में आए क्या? इंटीजर आप ऐसे याद रखो, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। स्टूडेंट एज यू सी दिस एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी कैन नॉट डिसाइड विच वन इज बिगेस्ट इंटीजर एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट इंटीजर। आप देख रहे हैं ना, ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ जीरो से कंसिडर करो, जीरो से आगे जा रहे हैं तो नंबर्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जीरो से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो नंबर्स क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इधर जाएंगे छोटा नंबर मिलेगा, इधर जाएंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। स्टूडेंट इन इंटीजर वी कैन नॉट डिसाइड स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड बिगेस्ट इंटीजर। ओके इट इज क्लियर। एंड अ सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय आई, इंटीजर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट दिस वन इज क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर्स स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, या ऐसे भी हमने सीखा है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। मतलब वो सारे नंबर जो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट करेक्ट डेफिनेशन इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कंसिडर अ नंबर इज टू, टू को फैक्टराइज करेंगे तो वन इंटू टू, टू वन जा टू, बस दो ही फैक्टर इसका हो सकता है, टू वन जा टू। सो स्टूडेंट दिस डिजिट, दिस नंबर टू हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन इज वन एंड अदर इज इटसेल्फ। वो फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, एक नंबर, एक फैक्टर वन होना चाहिए और अदर फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं टू का, टू के कितने फैक्टर हैं, एक वन है, दूसरा क्या है, टू है। सो दिस नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन फैक्टर इज वन, एक फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, एंड अदर फैक्टर इज इटसेल्फ। एंड अ सेकंड एग्जांपल वी हैव टू कंसीडर थ्री, थ्री का फैक्टर बोलो, वन थ्री जा थ्री। स्टूडेंट दिस थ्री हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड थ्री, सो दिस नंबर थ्री इज अ प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही क्या? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, फोर, फोर का फैक्टर बताओ, वन टू एंड फोर। तो देख रहे हैं ना फोर के कितने फैक्टर मिल गए, वन टू थ्री, दिस नंबर फोर हैविंग थ्री फैक्टर्स। सो स्टूडेंट दिस फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? प्राइम नंबर इज क्लियर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन फैक्टर इज वन, मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज वन एंड अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट प्राइम नंबर इज क्लियर। सो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं टू देन थ्री देन फाइव देन सेवन, नाइन भी होगा, नाइन भी होगा क्या प्राइम नंबर? नो स्टूडेंट, नाइन हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, नाइन का जो फैक्टर है ना दो से ज्यादा फैक्टर होता है, सो स्टूडेंट नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। नाइन का फैक्टर बताओ, वन से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा वन तो सबका फैक्टर होता है, वन जो है वो सारे नंबर्स का एक फैक्टर होता है, नाइन का और एक फैक्टर कौन सा होगा, थ्री हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन एंड नाइन इट्सेल्फ इट्स फैक्टर। सो दिस नाइन हैविंग थ्री फैक्टर्स, वन थ्री एंड नाइन,
So student, this 9 is not a prime number. Okay student, this 9 is not a prime number. Then after 7, 11 is prime number, then 13 up to infinite. Okay student, understood na? This prime number understood na? Is smallest prime number is 2. What is the smallest prime number? 2. Okay student, clear na? After this, even number. After this, even number. What are the even numbers? Students, what are the even numbers? How to define even numbers? Even numbers kya hota hai bataiye? Next one is even number. Even number. Student, those numbers which are divisible by 2. Those numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Matlab, wo sare numbers जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल का मतलब समझते हैं क्या? जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं डिविजिबल. फॉर एग्जांपल 15 इज डिवाइड बाय 3, देन 3 5 या 15, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया. स्टूडेंट इट मींस दिस 15 इज डिविजिबल बाय 3. दिस 15 इज डिविजिबल बाय 3. एंड अच्छा, डिविजिबल का मतलब समझ में आ गया क्या? डिविजिबल मींस क्या? When we get remainder as a 0, then it means dividend is divisible by divisor. Clear? अच्छा, अगर 15 को मैं 2 से divide कर दूं, तो 2, 7 या 14, यहाँ पर क्या आ गया? Remainder कितना बच गया? 1 बच गया. So student, this 15 is not divisible by 2. 2 से divide नहीं हो रहा है. Point नहीं लगाना है, decimal नहीं लगाना है. Without using decimal, without using point. Student, remainder is 1. It means this 15 is not divisible by 2. Understood na? Divisible ka matlab samajh mein aa gaya kya? To even numbers kya hota hai? Those numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Okay student, to iska examples kya ho jayega? First even number 2, second 4, then 6, 8, 10, 12, and so on. Student, can you decide by seeing this example, can you decide which one is smallest even number? Student, 2 is smallest even number. Okay, student, can you decide biggest even number? No, we cannot decide biggest even number. But we can decide smallest even number. Which one is smallest even number? Student, 2. अच्छा, एक और important चीज देखो. Prime number कहां से start हुआ? 2 से start हो रहा है. Even number कहां से start हो रहा है? 2 से start हो रहा है. तो student, this 2, note that 2 is an even prime number. Okay student, 2 एक ऐसा number है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है. तो इसको ध्यान में रखो. 2 इज पूरा मैथ्स हिस्ट्री में, पूरे मैथ्स में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. बाकी कोई दूसरा प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं हो सकता और बाकी कोई दूसरा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता. स्टूडेंट, 2 इज ओनली वन नंबर व्हिच इज इवन एंड प्राइम. ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर. एंड स्टूडेंट, आफ्टर इवन नंबर ऑड नंबर. व्हाट इज स्टूडेंट ऑड नंबर? ऑड नंबर्स आर जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं. और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे. स्टूडेंट, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं. स्टूडेंट, ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट. सो स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1. ओके स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दिस रेशनल नंबर
rational numbers. Rational number. Now, seventh one is rational number. Rational number. क्या होता है rational number? Student, numbers can be written in the form of P upon Q. A number which can be written in the form of P upon Q. अच्छा, ये कौन सा form है P upon Q? In the form of numerator and denominator. ऐसा number जिसको हम लोग P upon Q के form में लिख सके. Numbers can be written in the form of P upon Q and P and Q. ये दोनों क्या होने चाहिए? Integers होने चाहिए. Student, it means numerator and denominator both should be integers, but one more condition is there, Q is not equal to 0. अब इसको जरा ध्यान से समझो. Student, rational number क्या होता है? ऐसे numbers जिसको हम P upon Q के form में लिख सकते हैं, जिसको हम P upon Q के form में लिख सकते हो, और P और Q means क्या? Numerators and denominator should be an integers. Numerator और denominator दोनों क्या होना चाहिए? Integers होना चाहिए. और integers में तो जीरो भी आता है, इसमें साथ ही एक condition और लग गया कि जो denominator है वो integer तो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. मतलब जीरो को छोड़ के बाकी अदर integers हो सकता है, denominator जो है जीरो नहीं होना चाहिए. अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन भी हम लोग समझ लेते हैं. जैसे समझो, हमने लिख दिया 4 डिवाइड बाय 0. स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. किसी भी नंबर्स को हम लोग जब 0 से डिफाइन करते हैं वो डिफाइन नहीं होता. किसी भी नंबर्स को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. डिफाइंड नहीं होता, तो इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड. और जो ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड. इट इज क्लियर? रेशनल नंबर्स आर क्लियर स्टूडेंट? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर्स आर इंटीजर्स बट डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज नोन एज रेशनल नंबर. तो कोई भी रेशनल नंबर, जैसे समझो हमने लिखा 5. स्टूडेंट, दिस 5 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन डिवाइड दिस 5 बाय 1. किसी भी नंबर्स को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं. देयरफॉर दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स कंप्लीटेड. ओके, आफ्टर रेशनल नंबर, रियल नंबर्स. व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट? जितने भी टाइप का हम लोगों ने नंबर पढ़ा है, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. अच्छा, इसमें बहुत सारे नंबर अभी छूट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर्स की हमको जरूरत नहीं है. तो जितना लेसन में जरूरत है, लगभग हम वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, सेट्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, now we are going to start this first lesson, sets. Student, this set, its definition is a well defined collection of objects is called a set. Iske definition se start karte hain hum log, to aapko bahut easily samajh mein aa jayega. Kya hota hai set? A well defined collection of objects is called a set. Matlab kya? Collection samajh rahe na? कलेक्शन को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रुप, इसका सिनानिम वर्ड, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टीम बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, कलेक्शन, इसका बहुत सारा सिनानिम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके स्टूडेंट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा है ना, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज किया गया है. मतलब एक कलेक्शन क्या होता है? कोई एक चीज का कलेक्शन होगा नहीं. जैसे मैं बोलूं दिस इज द कलेक्शन ऑफ चॉक, नो स्टूडेंट, दिस इज ओनली वन चॉक, दिस कैन नॉट मेक अ कलेक्शन, दिस कैन नॉट मेक अ ग्रुप. ये ग्रुप नहीं बनाता है. बहुत सारा चॉक हमने ले लिया, देखो ये चॉक ले लिया स्टूडेंट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ चॉक, डिफरेंट कलर्स.
ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? एक कलेक्शन वर्ड आपको समझ में आया क्या? कलेक्शन कोई एक ही चीज से कलेक्शन नहीं बनता, कोई एक ही चीज से ग्रुप नहीं बन सकता। अच्छा, ऐसे टीम, ये जो वर्ड टीम है ना, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, तो क्या आपने कभी सुना है टेनिस टीम होती है क्या? नहीं होती। टेनिस प्लेयर होते हैं, टेनिस टीम नहीं होती। क्यों? टेनिस जो खेल है, जो गेम है टेनिस का, उसमें सिंगल प्लेयर खेलता है, तो सिंगल प्लेयर से कोई टीम नहीं बनती है। टीम कब बनेगी? वन से ज्यादा रहेंगे, एक से ज्यादा प्लेयर मिलकर टीम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे क्रिकेट टीम हो गई तो उसमें एक से ज्यादा प्लेयर है, फुटबॉल टीम हो गई उसमें भी ज्यादा प्लेयर होते हैं एक से। टेनिस टीम आपने नहीं नाम सुना होगा, टेनिस प्लेयर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टीम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। लेकिन अब सेट के लिए एक इधर इंपॉर्टेंट वर्ड लगा है, इस पे ध्यान देना, विल डिफाइन। विल डिफाइन का मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ग्रुप नहीं हो सकता। कब ग्रुप होगा? जब वो कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो मुझे मालूम है वो आपको मालूम होना चाहिए, वही चीज सबको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक, वीक का कितने डेज होते हैं, उनके सारे नामों का जो एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, एंड दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज अ सेट। मतलब ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो मुझे मालूम है वही आपको मालूम होना चाहिए, वही एक थर्ड पर्सन को भी मालूम होना चाहिए, देन दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज अ सेट। बात समझ में आ रही क्या? जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, स्टूडेंट इट इज क्लियर? संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यही क्लियर है ना? यही हमको मालूम है, नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, जो वीक होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 7 डेज, एंड नेम ऑफ द डेज आर संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके स्टूडेंट, तो हमको यही मालूम है, आपको भी यही मालूम है, सबको यही मालूम है। इट मीन्स स्टूडेंट, दिस ग्रुप, दिस कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज अ सेट। चलो दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हमने बताया? Name of days of a week. Okay, student. Name of days of a week. This collection, this group is well-defined collection. So, student, this set, this group is called a set. बात समझ में आ रही क्या? Set clear हो रहा है क्या? मतलब चीजों का, things का, ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, देन वी कैन से दैट कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं, नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, नेम ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, वो सारे नामों का एक कलेक्शन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबको क्लियर है स्टूडेंट, देन दिस इज नोन एज अ सेट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 1,
वन टू थ्री फोर फाइव। स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ग्रुप ऑफ द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, इट इज क्लियर, वेरी क्लियर स्टूडेंट। दिस ग्रुप इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ सेट। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है क्या? नाउ नेक्स्ट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप जिस क्लास में हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड में, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं बोलूं विच वन इज ब्रिलियंट स्टूडेंट इन योर क्लास, स्टूडेंट दिस वर्ड इज कंफ्यूजिंग वर्ड। वी कैन नॉट डिसाइड विच वन इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। मेरी नजर में कोई दूसरा स्टूडेंट ब्रिलियंट है, आपकी नजर में वो स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है, दूसरा स्टूडेंट ब्रिलियंट है। सो स्टूडेंट दिस वर्ड ब्रिलियंट इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ये हमारे ओपिनियन पर डिपेंड करता है। हम किसी को सोचते हैं वो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन आप नहीं सोचते, आप सोचते हो नहीं उनसे ज्यादा ब्रिलियंट वो है। बात समझ में आ रही क्या स्टूडेंट? दिस ग्रुप इज नॉट वेल डिफाइंड ग्रुप, सो दिस वन इज नॉट अ सेट। ओके स्टूडेंट, चलिए अदर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। हैप्पी पीपल इन योर टाउन। हैप्पी पीपल इन योर टाउन, टाउन या समझ लो जहां आप रहते हैं, उसमें से मैं बोलूं वहां से पांच ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो जो हैप्पी पीपल हैं। हैप्पी मतलब हमेशा खुश रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हम जिसको समझते हैं दैट पर्सन इज हैप्पी पीपल, हैप्पी पर्सन, और दूसरा समझता है नहीं, वो तो हमेशा रोते रहता है, वो कहां से हैप्पी हो गया। सो स्टूडेंट दिस वर्ड हैप्पी इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड नहीं। इससे कलेक्शन हम लोग जो कलेक्शन बनाएंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी दूसरे को हैप्पी पीपल समझते हैं, बाकी अदर पर्सन का जब भी हम लोग ओपिनियन लेंगे, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन को वो लोग भी बताएं। बात समझ में आ रही क्या? सो स्टूडेंट दिस ग्रुप इज नॉट अ सेट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम है या कोई भी टीम का आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं उसमें सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छे तीन प्लेयर हैं उनका नाम बताओ। अब आप समझ सकते हैं कि जिन तीन प्लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये जरूरी नहीं कि आप भी उन्हीं तीन प्लेयर को सिलेक्ट करो। मेरे नाम अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियन से तीन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर अलग नाम हो सकते हैं, आपके ओपिनियन से तीन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर अलग हो सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस वर्ड बेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड, सो दिस कैन नॉट मेक अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो स्टूडेंट दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल, गुड टीचर्स इन योर स्कूल। टेल मी एनी टू गुड टीचर्स इन योर स्कूल। स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। हम जिसको बताएंगे, जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट सेम टू टीचर्स को गुड टीचर्स माने। बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे टीचर्स को लाइक करते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट
उनको लाइक नहीं करते, दूसरे टीचर्स को लाइक करते हैं, उनको बोलते हैं कि उनका वो गुड टीचर्स हैं। सो स्टूडेंट, दिस वर्ड गुड इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड, सो दिस कैन नॉट मेक अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो स्टूडेंट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो मुझे लगता है सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेट एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट। वेल डिफाइंड का मतलब स्टूडेंट कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं टेल मी अ नंबर व्हिच इज इवन एंड प्राइम, टेल मी अ नंबर व्हिच इज इवन एज वेल एज प्राइम, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, मुझे नंबर बताओ जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो कौन सा नंबर होता है स्टूडेंट? टू होता है, ये हमको भी मालूम है। टू इज अ नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेल डिफाइंड। सो स्टूडेंट, दिस इज अ सेट। बात समझ में आ रही क्या? और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं? सेट ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स लेस देन फाइव। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स लेस देन फाइव मीन्स कहाँ से? फोर से। 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट, दीज आर दी सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन फाइव, फाइव से छोटा इंटीजर्स। स्टूडेंट, दिस ग्रुप इज वेल डिफाइंड ग्रुप। सो स्टूडेंट, दिस इज अ सेट। तो एक सेट होता है। तो क्लियर ना? सेट इज क्लियर ना? ओके, नाउ सेट इज डिनोटेड बाय, देन राइट डाउन, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। ओके स्टूडेंट, सेट्स आर डिनोटेड बाय, सेट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर्स आर ए बी सी डी ई, कोई भी लेटर आप जेड तक यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सो वी कैन यूज एनी वन लेटर फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस सेट। बट स्पेशली फॉर नेचुरल नंबर्स, वी डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय कैपिटल एन एंड होल नंबर बाय डब्ल्यू एंड इंटीजर्स बाय आई। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? तो चलिए, क्या क्या आपको क्लियर हो गया? सेट क्या होता है वो हमको क्लियर हो गया। सेट को कैसे डिनोट करते हैं ये क्लियर हो गया। सेट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई कहां तक? जेड तक कोई भी लेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट? एलिमेंट्स क्या होता है? द मेंबर्स भी बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच फॉर्म अ सेट, the objects which form a set are called elements of that set। मतलब जो object मिलकर के set बनाते हैं। अब कोई एक object तो set बनाएगा नहीं, जितने सारे object मिलकर के एक set बनाते हैं, then each member is called element of that set। elements of एनी सेट डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना? इट्स एग्जाम्पल, सपोज दैट ए कैपिटल ए लिख दिया, इसका मतलब दिस इज सेट ए। सेट ए नेचुरल नंबर्स लेस देन फाइव। एक ऐसा सेट है नेचुरल नंबर्स लेस देन फाइव। तो लेस देन फाइव मीन्स क्या? 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, तो देयर आर फोर ऑब्जेक्ट्स। ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
एलिमेंट ऑफ द सेट ए, हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। अच्छा इसका नोटेशन भी एक देखो, वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, टू इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, थ्री इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड आल्सो फोर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसके लिए एक नोटेशन यूज करेंगे हम लोग लेसन में, कौन सा नोटेशन यूज करेंगे, अगर हमको लिखना है टू इज एन एलिमेंट, टू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां से देख रहे हैं ना, क्लियर है ना, टू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इतना लंबा ना लिख के हम लोग इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, टू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्टूडेंट दिस सिंबल डिनोट्स फॉर एन एलिमेंट, मतलब दिस ऑब्जेक्ट, दिस एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको क्या रीड करेंगे आप, टू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ऐसे रीड कर सकते हैं टू बिलोंग्स इन सेट ए, टू बिलोंग्स इन सेट ए। अच्छा यहां पर फाइव है क्या स्टूडेंट, फाइव इज अ सेट ऑफ ए, नो। तो इसको कैसे लिखेंगे, फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नोटेशन इज क्लियर, दिस नोटेशन इज क्लियर ना। अच्छा अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या हमको समझ में आ गया, नंबर समझ में आया, टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आया, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा, सेट समझ में आया, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, मतलब कलेक्शन, किसका कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो ऑब्जेक्ट का है उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। स्टूडेंट सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स क्या होता है, जो मेंबर, जो ऑब्जेक्ट मिलकर के सेट बनाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, एंड दिस वन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, लाइक एज दिस सेट कंटेन्स फोर एलिमेंट्स, वन टू थ्री फोर, ईच वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, लाइक एज टू इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज रिटेन एज सिंबोलिकली टू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड यू सी इन दिस एग्जाम्पल फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, फाइव ए का एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे, फाइव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्टूडेंट दिस वन इज क्लियर, ओके नाउ नोट डाउन दिस, ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मतलब सेट्स को लिखने का क्या मेथड है, और क्या एक ही मेथड कोई है या फिर एक से ज्यादा मेथड है। स्टूडेंट्स अभी इसके पहले हमने बताया सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो कंफ्यूज मत होना, अभी ये मत समझना कि सेट को कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं, नो स्टूडेंट, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन लिखने का मेथड अलग है, राइटिंग मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द नोटेशन, ओके स्टूडेंट। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे सेट को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं बट राइटिंग मेथड्स आर डिफरेंट। स्टूडेंट फर्स्ट मेथड इज स्टूडेंट देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट्स। स्टूडेंट फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड। स्टूडेंट दिस मेथड लिस्टिंग मेथड इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड बोल सकते हैं, ओके स्टूडेंट दिस वन इज क्लियर ना। रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, दोनों सेम है। स्टूडेंट फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ओके स्टूडेंट दिस वन इज क्लियर ना, नेम इज क्लियर ना। अब एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड्स और बाय रोस्टर मेथड, तो दोनों एक ही चीज है, चाहे लिस्टिंग मेथड बोलो चाहे रोस्टर मेथड बोलो, ओके स्टूडेंट। अच्छा लिस्टिंग मेथड तो आपको समझ में आता होगा ना, लिस्टिंग मेथड्स, लिस्टिंग मतलब क्या, लिस्ट बनाते हैं,
समझो घर पे मम्मी ने सामान लेने के लिए भेजा, आपको चार पांच सामान बोल दिया ये सामान लेके आना है, और आपको डर है कि कहीं भूल न जाऊं, तो आप क्या करते हैं, सारे सामान को जो मम्मी ने मंगाया है सारे सामान को क्या करते हैं हम लोग, एक जगह एक पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा, जब पेज पे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, पहला आइटम लिख दिया, सेकंड आइटम लिख दिया, थर्ड आइटम लिख दिया, फोर्थ आइटम लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाना, लिस्टिंग। किसको? लिस्टिंग ऑफ गुड्स, जो सामान मम्मी ने मंगाया उसका एक लिस्ट हमने बना लिया। अच्छा, लिस्ट में आप एक चीज क्या देख रहे हैं कि सारे आइटम्स को सेपरेट किया है, सारे आइटम को अलग अलग लिखा है ना। अच्छा, सेपरेट किससे किया है, बाय नंबरिंग, नंबर से सेपरेट किया है। तो जब इसमें हम लोग ये लिस्टिंग मेथड यूज करते हैं, सेट में लिस्टिंग मेथड यूज करते हैं, स्टूडेंट इन दिस मेथड वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, इन दिस मेथड वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, इन अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कौन सा होता है स्टूडेंट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट ए कौन सा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से समझो लिस्टिंग मेथड क्या होता है, लिस्टिंग मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट इन दिस मेथड वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखना है इन कर्ली ब्रैकेट, कहां लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ईच एलिमेंट्स राइट ओनली वंस, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा लगाकर, कॉमा समझते हैं ना, जैसे लिखा वन टू थ्री ऐसे कॉमा लगा दिया, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। अच्छा, यहां पर जो मम्मी ने सामान मंगाया उसको आपने कैसे सेपरेट किया है, नंबर डाल डाल के सेपरेट किया है, लेकिन सेट में कैसे सेपरेट करना है, कॉमा लगा के सेपरेट करना है। तो बात समझ में आ रही क्या स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट एनी सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड और बाय यूजिंग रोस्टर मेथड। ओके स्टूडेंट, इन दिस मेथड वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, ईच एलिमेंट राइट ओनली वंस, ईच एलिमेंट राइट ओनली वंस, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, आपको दो बार नहीं लिखना है। जैसे मम्मी ने सामान मंगाया, समझो सुगर लिखा है, तो क्या उसको दो बार लिखेंगे, नहीं, एक आइटम को एक ही बार। सेम ऐसे ही राइट ओनली, राइट ईच एलिमेंट राइट ओनली वंस, हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड राइटिंग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं, राइट अ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, राइट, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। लेट वी हैव एनी सेट यन, यन यन किससे, यन किसके सेट को डिनोट करता है, नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करता है। लेट दिस सेट यन फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, ये तो सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, दिस इज रिटेन इन सेंटेंस फॉर्म। अब इसी सेट को कैसे लिखना है, अब एग्जाम में ऐसे आएगा, राइट दिस सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड और बाय यूजिंग रोस्टर मेथड। इसी सेट को कौन से मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो लिस्टिंग मेथड में क्या याद रखना है, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सा है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। एंड स्टूडेंट वी नो दैट फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, यही ना, यही फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब ये जो सेट यन है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, फाइव एलिमेंट्स हैं, और फाइव एलिमेंट्स कैसे हैं, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। इसी सेट को
हमको कैसे लिखना है, लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखेंगे, यहां भी एन लिखेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अभी हमने बताया इन लिस्टिंग मेथड, इन लिस्टिंग मेथड वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, राइट ईच एलिमेंट ओनली वंस, राइट ईच एलिमेंट ओनली वंस एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा, राइटिंग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखिए, ये सेट एन है, सेट का नाम क्या लिखा है, एन लिखा है, एन से डिनोट किया है, तो वही नोटेशन आपको भी यहां लिखना है, एन कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, इसके सारे एलिमेंट को लिखेंगे। लिखा है लिस्टिंग मेथड में क्या, राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5 एलिमेंट्स आर देयर, सो वी हैव टू राइट 1, 2, 3, 4, 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टूड, देखो सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर दी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देखो जो डेफिनेशन हमने बताया, राइट ऑल एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रैकेट, तो सारे एलिमेंट्स को हमने कहां लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। राइट ईच एलिमेंट ओनली वंस, एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो कॉमा से हमने सेपरेट किया है। अंडरस्टूड, एंड स्टूडेंट एंड राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है आप ऐसे 1, 2, 3, 4 लिखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर ना, व्हाट इज अ लिस्टिंग मेथड, हाउ टू राइट अ सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड और बाय यूजिंग रोस्टर मेथड। स्टूडेंट, इन अ लिस्टिंग मेथड वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, तो देख रहे हैं ना, दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट, तो देखो कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को हमने लिखा है। एक चीज हमने और बताया, राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, जैसे कि देखो 5 नेचुरल नंबर्स को हमने ऐसे लिख दिया, तो दिस वन इज क्लियर ना स्टूडेंट। नाउ कंसीडर सेकेंड एग्जाम्पल, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, सेट आई, सेट आई दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, आई किसका है, सेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स लेस देन, इंटीजर्स लेस देन 5 एंड मोर देन, एंड मोर देन, मोर देन -3। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सेट, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 5 एंड मोर देन -3। अच्छा, इंटीजर्स आप कैसे लिखते हैं, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट, एंड इन दिस साइड -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट। अब ये क्या है स्टूडेंट, दीज आर दी इंटीजर्स, दीज आर दी इंटीजर्स, लेकिन लेकिन इस सेट को क्या लिखा है, इंटीजर्स लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा एंड मोर देन -3 से बड़ा। तो -3 देखो यहां है, इससे बिगर इधर आएगा, मतलब -2 से लेस देन 5 से छोटा, मतलब कहां तक, 4 तक। स्टूडेंट दीज आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ओके क्लियर ना, नाउ राइट दिस बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, दिस लिस्टिंग मेथड इज क्लियर ना। Now consider another example. Now third, एक और example हम लोग consider करते हैं। चलो एक ले लिया set A, set A, set A। चलिए set A को क्या consider कर लूं? एक दूसरा कोई example लेते हैं हम लोग। Set A is a set of even prime numbers। Set A कैसा है? इसमें कैसे एलिमेंट है, इवन प्राइम नंबर्स,
मतलब नंबर्स शुड बी प्राइम एज वेल एज इवन। ओके स्टूडेंट, एज यू नो दैट 2 इज ओनली वन नंबर व्हिच इज इवन एंड प्राइम। ओके स्टूडेंट, दिस लिस्टिंग मेथड इज क्लियर ना? नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेकेंड मेथड। व्हाट इज दिस सेकेंड मेथड स्टूडेंट? देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने का दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड और आल्सो नोन एज रोस्टर मेथड। सेकेंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म और नोन एज रूल मेथड। तो सेकेंड मेथड पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर डालो। ओके स्टूडेंट।